पढ़ने के लिए ये दिन रात एक करके पढ़ रहा है। दिन में 16-16 घंटे पढ़ता है कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ये देखिए दोस्तों, और दूसरी तरफ देखिए, दूसरा किरदार, एक और इसी उम्र का एक नौजवान जिसने अपनी जिंदगी देखो नरक में कर दी है। ये सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, इसने अपना जीवन जो है ऐसा ही बना लिया। ये देखो दोस्तों, इसका भी सपना था कि मैं भी पढ़ लिख करके कुछ बनूंगा, पर लेकिन कम उम्र में गलत संगत में आकर के इसने अपना जीवन देखो कैसा बना लिया। और ये बहुत, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मजे की जिंदगी जी रहा हूँ। ये देखो, फिर एक दिन अचानक दूर से इसको इसका दोस्त दिखता है। अरे अरे श्याम मेरे यार, कहा था तू, अरे इतने दिनों बाद मिला, गले लग जा, अरे क्या बात है, क्या बात है, अरे कई दिनों बाद देखा तू, अरे और सुना क्या कर, अरे क्या कर रखा है ये पढ़ाई वढ़ाई, ये क्या किताब विताब ले रखी है तूने, छोड़ इसको पढ़ाई में क्या रखा है, अरे जिंदगी का मजा तो पीने में है, अरे तू ये छोड़ यार छोड़। तो दोस्त कहता, अरे छोड़ इसको, तू एक कष्ट लगा के देख, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, तू एक कष्ट लगा के देख। दोस्ती के कहने पर ये छोड़ देता है, कहता है एक छुट्टा लगा के देख यार, तेरी उम्र ही क्या है। ये देखो दोस्त को ये पिला रहे हैं सिगरेट, ये देखिए दोस्त मना कर रहा, अरे नहीं भाई नहीं, मैंने पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बनना, अरे नहीं नहीं, अरे तो ये मेरी दोस्ती की कसम, एक बार पी, एक बार कष्ट लगा, बार बार कहने पर दोस्त एक बार पी लेता है। फिर धीरे धीरे, पहले देखो ऐसे ही खांसी होती है, उसके बाद जो है धीरे धीरे दोबारा पीता है तो उसको आदत लग जाती है। फिर इसका दोस्त एक और नहीं आदत, अरे तू एक घूंट लगा के देख यार, तूने अगर दारू नहीं पी तो जिंदगी में क्या किया, ये देखो ये देखो, एक बार पी एक घूंट। ये दोस्त फिर मना करता है, जबरदस्ती पिला देता है, चल यार कोई बात नहीं, अरे बहुत कड़वी है ये तो, अरे कड़वी नहीं है, अंदर जाती है तो मजे आ जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं तू, एक और एक और घुट लगा के देख, बार बार कहने पे चल यार मैं पी लेता हूँ। ये देखो दोनों की दोस्ती, राम और श्याम, देखो अब बचपन के यार फिर से अपने दोस्त को भी इसने बिगाड़ दिया, अपने जैसा बना दिया, अब दोनों आराम से दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू, बस यही जिंदगी रह गई है। इन्होंने अपना जो कैरियर था उसको दांव पे लगा कर ये देखिए कितने मजे में झूम रहा है। फिर एक दिन अचानक ये देखो, फिर एक दिन उसकी दोस्त, बबलू भाई, इसका दोस्त बीमार पड़ जाता है और वो गिर जाता है। ये देखो अब दोस्त इसका परेशान आ रहा है, क्या हुआ शाम मेरे यार, क्या हुआ तेरे को, आंख तो खोल। इसके दोस्त को कोई होश नहीं आ रहा है। फिर ये देखता है कि यार चलो अस्पताल देखता हूँ कहीं डॉक्टर के पास। दोस्त जाता है, अरे भाई डॉक्टर, अरे पास में ही डॉक्टर की दुकान है, ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है। अरे दोस्त देखता है कि हाँ यहाँ पर है, डॉक्टर की दुकान के पास जाता है, कंपाउंडर साहब से बात करता है, अरे कंपाउंडर साहब मेरे दोस्त को बचा लो, मेरे दोस्त को क्या हो गया, अरे भाई पहले पैसा दे, पैसा रोक रहा है क्या तेरे पास, बात बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया, फीस लगेगी तभी देखेंगे, वरना हमारे पास टाइम नहीं है, पतली गली से निकल लो, पैसा है तो बोल। दोस्त कहता है दोस्त की जान तो बचानी है, चलो पैसे देता हूँ। अब जो दारू पीने के लिए पैसे निकालने के लिए देते हैं फीस, अरे इससे कुछ नहीं होगा, और पैसे दे भाई, आजकल महंगाई बढ़ रही है। दोस्त पैसे निकालता, ये देखो कंपाउंडर साहब ने कर ली 1000 रुपए की कमाई, बहुत बढ़िया, अरे चल अभी देखता हूँ मैं। कंपाउंडर साहब डॉक्टर साहब के पास जाते, ले देखो डॉक्टर साहब आज अभी चेक करके आता हूँ मैं इसको। कंपाउंडर साहब देख रहे हैं, इनको कुछ इनका सपना था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, पर लेकिन ये देखो ये नमक जो है पैर में चेक करते हैं, ये देखो ऐसे कंपाउंडर, ये झोला साहब को मालूम है ये, इसीलिए आज तक डॉक्टर नहीं बन पाया। ये कह रहे भाई देख इसका जो है इलाज जो है ना मैं देख लेता हूँ। अब इनके पास एक गोली है स्पेशल, ये कंपाउंडर साहब सारे मरीजों को एक ही गोली देते हैं, बाबा रामदेव की एक गोली लेके आए हैं, अब ये वही गोली थोक देंगे इसको, ये देखो बस। अब
यार भाई तेरा दोस्त ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, इसको एक घंटे में होश आ जाएगा। अब कंपाउंडर साहब चल दिए हैं वापस, दोस्त हैरान परेशान, अरे शाम एक बार उठ जाए यार, क्या हो गया तेरे को? फिर हम अपना शिमला चलेंगे, मसूरी चलेंगे, घूमने चलेंगे यार, दोस्त को होश ही नहीं आ रहा, ये परेशान हो जाता है, फिर जाता है भागा भागा डॉक्टर के पास। अरे कंपाउंडर साहब उसको होश नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो आप? डॉक्टर कंपाउंडर साहब कह रहे हैं भैया आप तो बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, उसकी फीस महंगी है भाई, मेरा डॉक्टर लंदन से डिग्री लेके आया भाई, पैसा लगेगा पैसा, 5,000 रुपये तो दे वरना तू भूल जा। अब दोस्त परेशान, ठीक है भाई 5,000 रुपये भी देने पड़ेंगे, अब दोस्त की जान, ये दोस्त की हालत मेरी वजह से ही हुई है आज, तो कहीं से अरेंजमेंट करके लेके आता है दोस्त, डॉक्टर की फीस पैसे अरेंजमेंट करके लेके आया है कमांडर साहब के पास। अरे डॉक्टर साहब ये लो पैसे, और अपने डॉक्टर साहब को बोलो, छीना जब्ती हो रही है, डॉक्टर के पास पैसे, कंपाउंडर कह रहे दे दे दे। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है क्या बात है, आज तो मोल हो रही है डॉक्टर साहब, ये लो डॉक्टर साहब कमाई हो गई है, आप देखो डॉक्टर साहब को देखो, ये देखो डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दे एक बार, क्या बात है क्या बात है, क्या कलाकार, ये डॉक्टर का एक्टर ज्यादा लग रहा है, ये देखो डॉक्टर साहब को अपनी कमाई मिल गई है, आप देखो डॉक्टर साहब खुश। अरे इसको भी ठीक करता हूँ, अरे ये क्या इसके हाथ में बोतल, अरे ये देखो अभी तक इसने बोतल नहीं छोड़ी है, ये तेरी वजह से हुई है ये हालत, ये देखो मारो इसको। अब डॉक्टर साहब इसकी बोतल छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो बेहोशी की हालत में भी ये बोतल नहीं छोड़ रहा, ये देखो अरे खींचो भाई खींचो, कितनी मुश्किल से इसने किया, अरे ये देखो ये हालत हो जाती है, देखो दोस्तों। अब डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, कंपाउंडर साहब कह रहे हैं ये मत पीना तुम, तुम्हारा भी हालत हो जाएगा। डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा, धड़कने तो इसकी चली नहीं रही है, ये शहर मर गया, ये शहर, अरे भाई मर गया कंपाउंडर, अरे डॉक्टर साहब आला तो लगा लो कान में, डॉक्टर साहब को सब पता था लेकिन क्या है कि ये भूल जाते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ धड़कने तो चल रही है इसकी, हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं हाँ चल रही है साथ, ये ठीक हो जाएगा चिंता मत करो, मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ और ये ठीक हो जाएगा तुम्हारा दोस्त। अब एक बहुत विदेशी हो जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, कह रहे कंपाउंडर को जो मैं ऑस्ट्रेलिया से लाया था जरा वो जरा एक इंजेक्शन तो निकालो जरा हैवी डोज वाला। अब कंपाउंडर साहब भी लगे हुए हैं देख रहे हैं, हाँ कहाँ है ये देखो दोस्तों इतना बड़ा इंजेक्शन, ये तो भैंसों को लगाने वाला डॉक्टर, अरे भाई यार एक बारी में इलाज कर दूंगा मैं, दोस्त परेशान, अरे ये क्या लगा रहे हो भाई, अरे चुप कर डॉक्टर तू है कि मैं हूँ, बैठो चल तेरी वजह से ये हालत हुई है और ड्रामे कर रहा है तुमने। अब डॉक्टर साहब देखो पूरा इंजेक्शन ये देखो ठोक दिया पूरा, अरे सुई तो अंदर ही रह गई है, अरे भाई निकालो, अरे बताना मत कोई बात नहीं, होता है यार बड़े बड़े ऑपरेशन में छोटी चीज होते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब 2 घंटे में उठा जाएगा तो टेंशन मत ले, मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब चले अपनी दुकान की ओर मस्ती से एकदम, दोस्त हैरान परेशान, अरे मेरे दोस्त एक बार ठीक हो जाए यार, तेरे को मैं लंदन पेरिस सिंगापुर कहाँ कहेगा वहीं घुमाऊंगा यार, एक बार ठीक हो जा तू, इसको चिंता इसकी जिंदगी की नहीं है, इसको चिंता ये है कि मेरे साथ बैठ के पिएगा कौन, खाएगा कौन, मेरा साथी कौन बनेगा, कौन पैसे लुटाएगा मेरे ऊपर, फ्री की दारू कौन पिलाएगा, इसकी चिंता वो है, फिर भी ये लगा हुआ है कि जो ठीक हो जा। अरे तेरे घर वाले मेरे को क्या कहेंगे, कपड़े फाड़ देंगे मेरे, जिंदा जिंदा छोड़ेंगे मेरे को, तेरे को कुछ हो गया तो। फिर ये दोस्त परेशान हैरान, ये फिर डॉक्टर साहब के पास जाता है, अरे डॉक्टर साहब, अरे कंपाउंडर साहब उसको तो होश ही नहीं आ रहा, क्या कर रहा, पैसे ले रहे तो इतने। कंपाउंडर साहब बात करते डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब कहते भाई ऑपरेशन लगेगा 5,00,000 रुपए, बोल दो 5,00,000, मोटी मुर्गी है, अरे 5,00,000 लगेंगे ऑपरेशन कराना तो बता,
अब ये दोस्त परेशान है, अरे मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं भाई, 5 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। कंपाउंडर साहब खुश है भाई, 5 लाख रुपए देगा तो तेरे दोस्त को जिंदगी बच जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा। ये पाँव पड़ता है, नहीं भैया नहीं कुछ भी है, तू पैसे लेके आ कहीं से भी, मकान गिरवी रख या कुछ भी गिरवी रख, पैसे से मतलब है हमारे को। दोस्त जाता है दोस्ती के खातिर अपने सभी और दोस्तों से रिश्तेदारों से भीख मांगता रहे, भाई कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। कोई ऐसे टाइम पे कोई काम नहीं आता है दोस्तों, ऐसे टाइम पे कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, ना कोई दोस्त काम आएगा। कहीं से अपने मकान गिरवी रख करके लेके आता है पैसे, और ये कमांडर साहब को देता है पैसे। ये लो कमांडर साहब, कंपाउंडर साहब की मौज हो गई, वाह भाई वाह क्या बात है। अरे ये तो 4 लाख है भाई, इसमें नहीं बने। अरे आज तो मौज हो गई है। अरे भाई पर लेकिन ये तो 4 लाख है डॉक्टर साहब, माने देखो कंपाउंडर साहब अपना कमीशन पहले रख लेते हैं। अरे डॉक्टर साहब 4 लाख है करना। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे 5 लाख चाहिए। ये देखो, अरे आईफोन, क्या बात है, एक आईफोन भी ले लिया 1 लाख का। ये देखो दोनों के डॉक्टर के चेहरे खींच, देखो सेल्फी ले रहे, जोरदार तालियां बजा रहे एक बार। अरे वाह भाई वाह, इनको पड़ी है अपनी सेल्फी की। 5 लाख रुपए पूरे हो गए डॉक्टर साहब, मरते तो मारे, वाह भाई वाह, आज मोटी मुर्गी फंसी है। कह रहे चल मैं आता हूँ। ये देखो डॉक्टर साहब, देखो फिर मौज में, पैसा जेब गरम है एकदम, अब मोटी मुर्गी हाथ लगी है। ये देखो डॉक्टर साहब को लगे, मरीज के साथ भी एक सेल्फी ले रहे। आह क्या बात है। अरे मेरे दोस्त को बचा लो, अरे तू चुप कर साइड हो। इस साल मैंने 20 ऑपरेशन कर दिए, 21वां ऑपरेशन है ये। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी ठीक कर देता हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने बोला कंपाउंडर को, अरे मेरा वो जान लेके आया जो मैं चाइना से लेके आया था। अरे अभी दोस्तों आप सभी एक बहुत जीता जागता एक ऑपरेशन देख रहे हैं अपनी जिंदगी में। अरे वाह क्या बात है, क्या औजार निकाले, चाइना से आया ये औजार। ये देखो अभी चीर देंगे इसको, पूरा चीर देंगे डॉक्टर साहब इसको। ये डॉक्टर कम जल्लाद ज्यादा लगते, कसाई ज्यादा लगते हैं। ये देखो दोस्तों स्टाइल देखो इनका, अभी चीर देंगे इनको। ये देखो पूरा मरीज को एकदम चीर डाला इन्होंने, पूरा खून बह रहा है मरीज का। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं अरे तू दूसरा औजार निकाल अब मेरा, जो मैं सिंगापुर से लेके आया था। अब ये देखो, अब कमांडर साहब दूसरा औजार निकाल रहे हैं। ये देखो, अरे वाह, दूसरे औजार के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है। अब देखो डॉक्टर साहब, अब देखेंगे शरीर में क्या क्या बीमारी है, क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या खराब हो गया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये देखो, अरे फंस गया है कुछ, निकालो, अरे निकालो। अरे ये देखो, ये देखो ये पूरे फेफड़े खराब कर दिए हैं, ये सिगरेट की फैक्ट्री लगा रखी है अंदर। ये देखो ये इसकी वजह से ये हालत हुई है तेरे दोस्त की, तूने सिगरेट पिलाई है इसको। ये देखो डॉक्टर साहब और मेहनत कर रहे हैं, बहुत पसीना आ गया। आज तो ऑपरेशन थिएटर में एसी भी नहीं चल रहा है भाई। डॉक्टर साहब फिर और मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं और क्या क्या खराब हो रखा है। और भी कुछ मिला डॉक्टर साहब, और भी कुछ मिला। अरे ये क्या, ये देखो पूरी लीवर खराब है। ये देखो दारू, इतनी दारू पी के ये इसका हाल हुआ है। ये देखो कहते हैं नशा नाश कर देगा, फिरेगा दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, कोई ना देगा खाने को। ये हालत हो जाती है दोस्तों नशे के कारण, आप देख रहे हैं आज पूरे संसार की हालत है। आज ये घर घर की कहानी बन गई है दोस्तों। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं पंखा करो भाई, थोड़ी बहुत परेशान हो गए डॉक्टर साहब भी। ये देखो पूरी हवा कर रहा है कंपाउंडर साहब, कह रहे पैसे अंदर रख यार, तू पैसे मत दिखा सबको, आजकल लोगों की नजरें बड़ी खराब है। हाँ पैसे के ऊपर तो आजकल पता है
किसी का दीन ईमान रहा ही नहीं है भाई। ये देखो और भी कुछ मिला डॉक्टर साहब को, ये देखो ये देखो ये देखो तंबाकू, ये देखो ये इसकी वजह से ये हालत खराब हुई है इसकी। ये देखो उसको पीट रहा है कंपाउंडर, अरे तेरी वजह से ये हाल हुआ है। ये तूने अपने दोस्त की जिंदगी का ये सत्यानाश कर दिया। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अब इसको वो कर देते हैं सिलाई, औजार निकालो भाई मेरा दूसरा वाला। कंपाउंडर साहब निकाल रहे हैं आखिरी औजार, ये देखो अरे 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 ये क्या, अरे ये देखो ये तो बोल सीलते हैं, ये पेशेंट को सीलते हैं, बड़े डॉक्टर है भाई, बड़े डॉक्टर हैं, अभी सील लेंगे इसको एकदम, देख रहा तुम। ये देखो डॉक्टर साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं पेशेंट की, ये पूरा सील दिया इसको। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई देख मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो है इसकी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, तू भगवान को याद कर मैंने अपना काम कर दिया है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं चल भाई चल कंपाउंडर आज अपनी होगी कमाई। ये देखो डॉक्टर साहब तो मरते एकदम, ये साल का 21वां ऑपरेशन है और पिछले 20 ऑपरेशन डॉक्टर साहब के फेल हो गए हैं। इनको भी उम्मीद है शायद ये 21वां ऑपरेशन मेरा ठीक हो जाए इस साल का। दो हैरान परेशान, अरे यार इसको तो होश ही नहीं आ रहा है, क्या बात है, अरे ये भगवान इसको ठीक करा दे, मेरा मकान गिरवी हो गया, आईफोन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो ठीक हो जा दोस्त, और क्या क्या लूटेगा, मेरा सब कुछ तो लूट लिया तूने, इतने की तूने दारू नहीं पिलाई मेरा, इतने तूने मेरा खर्चा करवा दिया, इतना महंगी पड़ गई तेरी दोस्ती मेरे को। ये फिर जाता है डॉक्टर साहब के पास, अरे डॉक्टर अरे अब तो पैसे भी दे दिए, लूट गया बर्बाद हो गया, अब तो देख ले उसको। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अरे भाई क्या हो गया, होश नहीं आया उसको, चलो मैं चलता हूँ भाई चलता हूँ, चिंता मत कर पैसे लिए भाई, देखता हूँ मैं क्या हाल है। डॉक्टर साहब देख रहे हैं अरे हाँ, अरे इसके नमक चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं अरे डॉक्टर साहब आला लगा के देखो ना, अरे हाँ मैं भूल जाता हूँ, हर बार भूल जाते हैं डॉक्टर साहब, आला लगा के तो कह रहे भाई ये तो गयो राम नाम सत्य, भाग लो भाई पीटेगा हमारे को, राम नाम सत्य है सत्य बोलो। तो दोस्तों आप सभी ने देखा नहीं है, आप सभी भाई बहने जानते हैं आज हमारे घर परिवार में आपको ऐसे किरदार बहुत हजारों देखने को मिल जाएंगे, और सभी जानते हैं कि भैया ये चीजें बुरी होती हैं, परंतु जिस प्रकार धागों का बना रस्सा टूटना मुश्किल, जो आदत हो जाती है बच्ची उसका छूटना मुश्किल, तो एक बार आदत हो जाती है तो इसको छोड़े कैसे। आज हर कोई अच्छा बनना चाहता है परंतु अच्छा बनने की ताकत नहीं है, अच्छाई के रास्ते पर सच्चाई के रास्ते पर चलने की ताकत नहीं रही है आज इंसान के अंदर। तो दोस्तों प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपका स्वागत करता है, आप सभी राजयोग के द्वारा इस अपनी सारी बीमारियों को सारी बुराइयों को छोड़ सकते हैं। राजयोग के द्वारा 7 दिन के कोर्स के अंदर आप सभी इन सभी बीमारियों से छूट सकते हैं। जी हाँ, राजयोग एक ऐसा योग जो स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा श्री इस धरती पर अवतरित होकर के सिखाते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिरों में मस्जिद में गुरुद्वारों में कंदराओं में गुफाओं में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आते हैं, अमरनाथ जाते हैं, काशीनाथ जाते हैं, वो स्वयं भगवान इस धरती पर दोस्तों आ चुका है, वो अपना दिव्य संदेश सुना रहा है, बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, राजयोग जिससे सभी मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। जी हाँ देवी सज्जनों, आपको एक पैम्फलेट दिया जा रहा है, इसके अंदर सेंटर का एड्रेस है, आप सभी सेवा केंद्र पर आ सकते हैं और निःशुल्क बिल्कुल फ्री में आप राजयोग सीख सकते हैं। अपने परिवार जनों को भी साथ में लेके आए, बच्चों को बूढ़े माता पिता को सबको साथ में लेके आए और अपने जीवन को सदा सदा के लिए खुशहाल बनाए। जी हाँ भाइयों बहनों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, आप सभी के शहर में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र खुल चुका है और आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं 7 दिन के कोर्स के अंदर।
इस कोर्ट में आपका सीधा परमात्मा से मिलन कराया जाता है। एक पैसे का खर्चा नहीं है दोस्तों, एक पैसे का खर्चा नहीं है। भगवान मुफ्त में आपको ये ज्ञान सुनाने आया है, अपने बच्चों से मिलने के लिए आया है, जो कि आज के समय में आप देख रहे हैं इस संसार की हालत क्या हो गई है। हर मनुष्य धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो चुका है। आज कोई अपने धर्म पर रहा ही नहीं है, है कि नहीं? तो ऐसे समय पर भगवान फिर से अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक सत्य धर्म की स्थापना कराने के लिए फिर से धरती पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, अधिक समय ना लेते हुए, अपना समय ना गंवाते हुए, आप सभी ब्रह्म कुमारी आश्रम आ सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी आए, 7 दिन का कोर्स करें और अपने जीवन को धन्य बनाए, सुखी बनाए, यही हमारी शुभ भावना है। आप सभी के बीच में दिल्ली, मुंबई, बंगाल, पंजाब से आए हुए हैं भाई सारे, ये सारे राजयोगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, पवित्र कुमार हैं, अपने घर घर में रहते हुए अपना काम धंधा करते हुए, कोई इनमें से डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसान है, हर प्रकार के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। आज ये संस्था दोस्तों 140 देशों के अंदर आज ये संस्था कार्यरत है समाज सेवाओं में। आज आप देख रहे हैं इधर हमारी बहनें हैं, 50,000 से भी ज्यादा बहनें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। कम से कम भी 10,000 से ज्यादा भाई, बाल ब्रह्मचारी भाई इस संस्था में जुड़ करके समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, ताकि आप सभी का जीवन जो है एक सुंदर बन जाए, खुशनुमा बन जाए और आप सभी सदा मुस्कुराते रहें। हमारी यही दिल की दुआ है, सदा मुस्कुराते रहें आप, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ये सबको एहसास हो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये अनमोल जीवन मिला है हमारे को, मनुष्य जीवन। आपके सामने देखो ये पशु भी खड़ा है, एक पशु भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर देता है। आज सोच के देखो क्या हमारा जीवन और पशुओं के जीवन में कितना अंतर रह गया है। आज पशु भी आज हमसे ज्यादा सुखी है, ज्यादा खुश है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहा है कि नहीं? और आज हमसे अपने घर परिवार को चलाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, सोच के देखो। आज हमारा ये मनुष्य जीवन जिसको हीरे तुल्य कहा जाता है, आज हम कैसे उसे कोड़ी के भाव उसको मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय आता है, कहते हैं कि भाई समय पर समझ मिल जाए किसी को तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। या तो समय बीत जाता है बाद में समझ आती है, या फिर समझ में आती है तो समय नहीं रह पाता है तब। तो दोस्तों, आप सभी सादर आमंत्रित है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। आप सभी आकर के राजयोग सीखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सबके पास पैम्फलेट है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति, ओम शांति।